दोस्तों, ज़ोंबी और ज्वालामुखी की ऐसी खतरनाक कहानी आपने आज तक नहीं देखी होगी। कैसे एक फैमिली और कुछ लोग इस आइलैंड पर फंस जाते हैं जहां पर ज़ोंबी होते हैं और साथ ही ज्वालामुखी फटने वाला होता है। इस वीडियो को देखकर आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। आप देख रहे हैं फिल्मी स्टोरी हिंदी। मूवी की शुरुआत में हमें कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाए जाते हैं, तभी वहां पर एक नाइट वुल्फ आकर उन्हें पहाड़ों की डरावनी कहानी सुनाने लगता है और वह बच्चों को बताता है, पृथ्वी पर पहले शैतानी शक्ति निवास करती थी जो कि पृथ्वी से गई नहीं बल्कि पृथ्वी पर ही मौजूद है और वे सो रही हैं, वह सब जल्दी ही जागने वाली हैं। तभी हमें बर्फीले पहाड़ों पर ज़ोंबी दिखाए जाते हैं जो कि इंसानों को खा रहे होते हैं। वहां पर एक इंसान आ जाता है और ज़ोंबी उस पर भी हमला करके उसे मार देते हैं और वे दोनों ज़ोंबी उसको भी खाने लगते हैं। तभी ज्वालामुखी फट जाता है, ज़ोंबी और आसपास की सब चीजें नष्ट हो जाती हैं। हमें फिर दो साइंटिस्ट दिखाए जाते हैं जो कि आपस में अपने काम के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वे लोग ज्वालामुखी को जांचने के लिए जाते हैं क्योंकि ज्वालामुखी जल्द ही फटने वाला होता है और आसपास के लोगों को उस ज्वालामुखी से 10 किलोमीटर दूर जाने को कहा जाता है। ज्वालामुखी के आसपास के इलाके को खाली करा दिया जाता है पर कुछ लोग वहां पर मौजूद होते हैं। तभी हमें मैंडी नाम की एक औरत दिखाई जाती है जो कि अपना सामान पैक कर रही होती है। तभी वहां पर ऑफिसर डेंटल आ जाता है, वह मैंडी के स्कूल टाइम फ्रेंड भी होता है। वह मैंडी से कहता है कि उसके पापा यहां से जाने को मना कर रहे हैं। तभी मैंडी कहती है, मेरे अपने पापा से 10 साल से बात नहीं हुई है और मैं उन्हें नहीं मना सकती यहाँ से जाने के लिए। ऑफिसर डेंटल मैंडी से कहता है, तुम ही अपने पिता को मना सकती हो। और तभी मैंडी की बेटी निकोल अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पर आ जाती है। उसकी माँ मैंडी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और वे उससे कहती है, तुम यहाँ पर क्यों आई। निकोल उससे कहती है कि मैं आपकी मदद करने के लिए आई हूँ। वैसे वह अपने नाने के लिए आई होती है जो कि उस जगह को छोड़ने से मना करते हैं। तभी हमें एक रेंजर दिखाया जाता है जो कि ऑफिसर से बात कर रहा होता है और वे उससे कहता है कि वे उस ज्वालामुखी को देख रहा है। ऑफिसर उससे कहता है, अब तुम जल्द से जल्द उस जगह को छोड़ दो, पर वे उसे छोड़ने से मना कर देता है। मैं कुछ समय बाद यहाँ से निकल जाऊंगा। तभी हमें साइंटिस्ट दिखाए जाते हैं जो कि अनुमान लगाते हैं कि ज्वालामुखी जल्द ही फटने वाला है। तभी हमें दिखाया जाता है मैंडी अपने पिता के पास उनको मनाने के लिए पहुंचती है पर वे जाने से मना कर देते हैं। और जैसे ही निकोल अपने नाना को मनाने जाती है तो वे उसे अपने साथ घर में ले जाते हैं पर वे मैंडी को घर में आने से मना कर देते हैं। निकोल अपने नाना को मना लेती है और वे भी उनके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। वहीं एक फोटोग्राफर जो कि ज्वालामुखी की फोटो खींच रही होती है, साइंटिस्ट उसे देख लेते हैं और वे उससे कहते हैं, यहां से चली जाओ क्योंकि ये ज्वालामुखी जल्द ही फटने वाला है। पर वे ऐसा नहीं करती और वे कहती है, मैं थोड़ी देर में यहाँ से चली जाऊंगी, पर वे अपने गंदे गंदे फोटो खींचने लगती है। तभी निकोल और उसकी फैमिली वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी रेंजर ऑफिसर को बताता है कि ज्वालामुखी फट गया है और वे बात करते करते रेंजर को भी ज्वालामुखी की लावा मार देती है और उस ज्वालामुखी से जो लावा निकल कर जमीन पर गिरता है उसमें से ज़ोंबी निकलने लगते हैं। वहीं निकोल की गाड़ी के सामने भी लावा की एक परत आ जाती है जिससे वे गाड़ी छोड़कर भागने लगते हैं। वहीं फोटोग्राफर को भी ज़ोंबी पकड़कर मार देते हैं। वहीं साइंटिस्ट की गाड़ी के सामने भी पहाड़ टूटकर नीचे गिर जाते हैं जिससे वे भी गाड़ी छोड़कर जंगल के रास्ते चल पड़ते हैं। वहीं साइंटिस्ट अपने साथी को बताता है कि यह तो पहला राउंड था, अब जो दूसरे राउंड में ज्वालामुखी फटेगा वो इतना ज्यादा खतरनाक होगा कि दूर दूर तक तबाही मचा देगा, इसलिए हमें लोगों को जल्द से जल्द 20 किलोमीटर दूर लेकर जाना होगा। वहीं निकोल की फैमिली के सामने ज़ोंबी आ जाते हैं और वे उनसे भागते भागते दो भागों में बट जाते हैं जिससे निकोल अपने बॉयफ्रेंड के साथ और मैंडी अपने पिता के साथ भाग रही होती है। निकोल और उसका बॉयफ्रेंड एक घर में छुप जाते हैं। वहीं मैंडी और उसके पिता के सामने ज़ोंबी आ जाते हैं, वे उनसे लड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों साइंटिस्ट के सामने भी ज़ोंबी आ जाते हैं और वे दोनों भागने लगते हैं, पर एक साइंटिस्ट नीचे गिर जाता है और वे दूसरे को भागने को कहता है। वहीं साइंटिस्ट को भी ज़ोंबी खा जाते हैं। मैंडी और उसके पिता निकोल और उसके बॉयफ्रेंड को ढूंढते ढूंढते उस घर में पहुंच जाते हैं और वे सब वहां पर छुप जाते हैं। वे हेड ऑफिस तक अपना मैसेज छोड़ देते हैं कि हम भी पहाड़ों पर एक घर में छुपे हुए हैं। वहीं एक साइंटिस्ट भागते भागते ऑफिसर डेंटल की गाड़ी के पास पहुंच जाती है और वे उससे वहां से भागने के लिए कहती है।
ऑफिसर डेंटल का साथी उसे बताता है कि मैंडी की फैमिली भी पहाड़ों पर एक घर में छुपी हुई है। ऑफिसर डेंटल उस घर में पहुंच जाता है और वह जैसे ही निकलते हैं तभी उन पर ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। डेंटल उनके सर में गोली मार के उन्हें मारने की कोशिश करता है, पर उससे ज़ॉम्बी को कुछ नहीं होता बल्कि साइंटिस्ट को भी एक ज़ॉम्बी काट लेता है और वे सब वापसी घर में ही छुप जाते हैं। तभी वहां पर ऑफिसर डेंटल का साथी उन्हें बचाने के लिए पहुंच जाता है, पर वह भी ज़ॉम्बी के हाथों मारा जाता है और वे सब निकलकर ज़ॉम्बी को मारते हुए अपनी गाड़ी की तरफ भागते हैं। थोड़ी दूर जाकर वह रुक जाते हैं। तभी साइंटिस्ट निकोल पर हमला कर देती है, पर निकोल का बॉयफ्रेंड उस साइंटिस्ट को भी मार देता है और वे भागकर ऑफिसर डेंटल की गाड़ी के पास पहुंचते हैं। ज़ॉम्बी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया होता है, पर वे भागते भागते एक टावर पर पहुंच जाते हैं जहां ऑफिसर डेंटल टावर पर चढ़कर पुलिस हेड ऑफिस फोन करता है कि हमें जल्द से जल्द लोगों को इस ज्वालामुखी से 20 किलोमीटर दूर लेकर जाना होगा, जब ही हम इस ज्वालामुखी से बच सकते हैं। तभी मैंडी की फैमिली को ज़ॉम्बी घेर लेते हैं। निकोल उस टावर पर चढ़ जाती है, पर उसकी माँ और उसका बॉयफ्रेंड उन ज़ॉम्बी को मार रहे होते हैं। तभी निकोल के नाना को ज़ॉम्बी पहाड़ के नीचे लेकर गिर जाता है। वहीं निकोल के बॉयफ्रेंड को भी ज़ॉम्बी खा जाते हैं। वहीं ऑफिसर टावर पर चढ़ जाते हैं। तभी ज्वालामुखी में एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और पूरा शहर धूल से ढक जाता है। ज्वालामुखी में से जितने भी ज़ॉम्बी निकले होते हैं ज्वालामुखी उन सबको अपने अंदर वापस खींच लेता है और पूरे शहर का लावा सूखने लगता है, जिससे वहाँ के हालात नॉर्मल हो जाते हैं। और ऑफिसर डेंटल अपने हेड ऑफिस फोन करके पूछता है तो उसके साथी उसे बताते हैं कि अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। वहीं जैसे ही वे टावर से नीचे उतरते हैं तो उन्हें दिखता है कि उसके नाना भी बच गए होते हैं, जो कि पहाड़ों पर ही लटक कर बच जाते हैं। उन्हें देखकर निकोल और मैंडी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी हमें नाइट वोल्फ दिखाया जाता है जो कि बच्चों को कहानी सुना रहा होता है। वहीं पर उसकी बीवी आ जाती है और वह उन बच्चों को वहां से भगा देती है और वह नाइट वोल्फ से कहती है बच्चों को डराना बंद करो और यहां से चलो। तभी वह दोनों वहां से जा रहे होते हैं, उनके ऊपर ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप किस मूवी की स्टोरी देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।